आई स्वैप दिस साइड. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी के सेकेंड इंटरनल के जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे टाइम में पूछे गए थे. फर्स्ट इंटरनल के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखा है, अपलोड कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इंटरनल के जो आपके फर्स्ट इंटरनल में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये सेकेंड इंटरनल के लिए आपके फर्स्ट ईयर वीडियोस में जो आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम क्वेश्चंस हर बार एक तरह से वही रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं. कुछ क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. इसीलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा. मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर डिस्कस करने वाली हूँ. तो एनाटॉमी के में टाइम लगता है, देयरफॉर आई एम डिस्कसिंग. ये हो सकता है दो सेक्शन हैं इस वीडियो में. मैं सेक्शन ए डिस्कस करूँगी, ये पार्ट वन होगा. एंड इन अनदर वीडियो सेक्शन बी डिस्कस करेंगे हम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हमारे पास है, सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. आपको बताना है अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स कौन सा टाइप का जॉइंट है, टाइप ऑफ जॉइंट है, उसके आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है, उसके लिगामेंट्स क्या है, मूवमेंट का मसल्स क्या होती है, उसमें अप्लाइड एनाटॉमी. तो इन सबके बेसिस पे हमको TMJ डिफाइन करना है. सो TMJ देख लेते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस किससे कवर्ड होता है. TMJ इट्स आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड विद अ फाइब्रोकार्टिलेज. टेम्पोरल बोन से हमें पता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टेम्पोरल बोन और द मैंडिबल. सो आर्टिकुलर सर्फेस ऊपर जो है उसका टेम्पोरल बोन और नीचे क्या है, हेड ऑफ मैंडिबल. हैंड ऑफ मैंडिबल को भी स्पेशली कॉन्डाइलर प्रोसेस और टेम्पोरल बोन का दो पार्ट्स होते हैं, आर्टिकुलर फोसा एंड आर्टिकुलर एमिनेंस. सो उसके बाद देयर कम्स अ लिगामेंट्स ऑफ TMJ. TMJ के क्या लिगामेंट्स हैं, तो TMJ के हमारे रिक्वायरमेंट देखने को मिलते हैं, दैट इज समथिंग. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा TMJ, मैंने आपको बोला था TMJ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5-star मार्क कर सकते हैं. तो TMJ हमारे फर्स्ट इंटरनल में भी पूछा गया था. देखिए आपने कहा था ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो TMJ हमारे फर्स्ट इंटरनल में भी पूछा गया था और सेकेंड इंटरनल में भी पूछा गया था क्वेश्चन. सो TMJ के लिगामेंट्स कौन कौन से, फाइब्रस कैप्सूल, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, स्पिनोमैंडिबुलर, स्टाइलोमैंडिबुलर, सारे लिगामेंट्स. ये सब लिगामेंट्स और लिगामेंट्स के हमको डिटेल्स लिखने हैं. डिटेल्स मतलब उसके आर्टिकुलेशन, बेसिकली जैसे हम कोई भी लिगामेंट है उसके आर्टिकुलेशन आपको लिखना है. तो फाइब्रस कैप्सूल जैसे हमको पता है ये TMJ जो है एक तरह से फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस टाइप का हमने पढ़ा था कि फाइब्रोकार्टिलेज है वहाँ पे, तो फाइब्रस कैप्सूल है. तो फाइब्रस कैप्सूल बेसिकली किसके बीच में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल आता है, देयर कम्स आर्टिकुलर ट्यूबरकल. एंड उसके नीचे क्या आता है, नेक ऑफ मैंडिबल. फाइब्रस कैप्सूल TMJ के उधर प्रेजेंट है ना, तो ऊपर टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर ट्यूबरकल आता है और नीचे क्या आता है, हेड ऑफ मैंडिबल. ये दो रिलेशन आता है इंपॉर्टेंट है, अबव एंड बिलो. और फ्रंट रिलेशन में देखें तो फ्रंट में आता है सर्कमफेरेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा एंड बिहाइंड स्क्वैमो टिम्पैनिक फिशर. सर्कमफेरेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा एंड स्क्वैमो बिहाइंड में आएगा स्क्वैमो टिम्पैनिक फिशर. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाइब्रस कैप्सूल. After fibrous capsule, we have the lateral ligament, that is temporomandibular ligament. Temporomandibular ligament, ये lateral ligament, उसके ऊपर क्या होता है, articular tubercle, temporomandibular. तो temporal से नाम suggest temporal और mandibular के बीच में ligament. उसके ऊपर क्या है, articular tubercle है. And भी नीचे क्या है, posterior to lateral aspect of the neck of mandible. नीचे के posterior to lateral aspect of the neck of mandible, उसके fiber जो है वो downward and backward जाते हैं. तो ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो उसको भी ये लिखना इंपॉर्टेंट है. Above articular tubercle और below क्या है, posterior lateral aspect, posterior to lateral aspect of neck of mandible. Then there comes another, that is sphenomandibular ligament. Sphenomandibular is a name such as sphenoid process or mandible के बीच में. तो sphenoid above क्या है, spine of sphenoid, जो हमारी sphenoid butterfly shape bone होती है वो. तो spine of sphenoid और नीचे की क्या है, below क्या है, lingula of mandibular foramen. ये इसके लिए एक बात important है, कौन सा ligament पूछ सकते हैं, which ligament जो है वो recess of first cartilage, first pharyngeal arch, ये Meckel's cartilage. तो first pharyngeal arch जब आप embryology पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, first pharyngeal arch या Meckel's कार्टिलेज, फर्स्ट पेरेंशियल आर्च जो मैकेल कार्टिलेज होता है उसका रेमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, इट इज द रेमिनेंट ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ मैकेल कार्टिलेज. इसमें आपको मीडियल टेरिकॉइड, गॉर्डन टिम्पैनी, वॉल ऑफ फेरिंग्स, ये सब स्ट्रक्चर देखने को पड़ते हैं, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट उसका अबव और बिलो क्या है, उसका रिग और ये रेमिनेंट है. ये पूछ सकते हैं आपसे अलग से सेपरेटली, कोई MCQ बन के आ गया क्वेश्चन कि रेमिनेंट ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ मैकेल्स कार्टिलेज, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, देन दे कम द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. सीइंग द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के ऊपर क्या है, अबव वी हैव द स्टाइलेट प्रोसेस. स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट ऐसा तो हमारा जो तीखा से स्टाइलेट प्रोसेस निकला होता है, जो हमारे आप देखेंगे स्कल को तो आपके एक लासा जो होता है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, उसके पीछे मैस्टॉइड प्रोसेस होता है, कंफ्यूज नहीं होएगा. तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के अबव क्या, मतलब स्फेनो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, जैसे स्टाइलॉइड और मैंडिबल के बीच में, तो अबव स्टाइलॉइड प्रोसेस और बिलो क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल. अबव क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस और बिलो क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल.
थिकनिंग ऑफ इनर्वेटिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया भी होती है, वो क्या करता है पैरोटिड को सेपरेट करता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड को. बेसिकली जो स्टाइलोमेंडिबुलर लिगामेंट है वो पैरोटिड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सेपरेट करता है, दोनों के बीच में होता है. इट इज पियर्स बाय द एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे. देखते हैं तो टीएमजे की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैंने रफ डायग्राम बनाया आपको एग्जाम इसको कलर डायग्राम एंड अच्छे से बनाना है. तो इसका आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे में क्या होगा, सुपीरियर कॉनकेव कॉन्वेक्स सर्फेस होता है, इन्फीरियर सर्फेस जो होता है वो कॉनकेव होता है. तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है. इसका अपर हेड है जो स्मॉल होता है, लोअर लार्जर हेड देख सकते हैं आप, लार्जर हेड जो है वो लोअर हेड जो है वो लार्ज होता है. फाइब्रस कैप्सूल देखने को मिलेगा आपको, लिगामेंट फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर बिलानी रीजन कंटेन्स वेसल्स एंड प्लेक्सस नर्व फ्लेक्सस. सो दिस इज टीएमजे. और टीएमजे के रिलेशन देखते हैं हम, टीएमजे के रिलेशन क्या, टीएमजे भी इमेजिन करिए करेंगे तो बहुत सिंपल रहेगा. टीएमजे टीएमजे के आगे क्या है, टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट के आगे देखने को मिलेगा लेटरल टेरिगो टेम्पोरलिस एंड मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी. हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं याद है, इसको तो पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है फर्स्ट इंटरनल में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. ये सेकेंड इंटरनल है तो हम वापस डिस्कस कर रहे हैं, आपको रिवाइज हो रहा होगा वापस. टीएमजे रिलेशन, टीएमजे रिलेशन में क्या, एंटीरियर रिलेशन में क्या, लेटरल टेरिगोइड टेम्पोरलिस मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी. लेटरल टेरिगोइड टेम्पोरलिस मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी. तो विच आर द टीएमजे रिलेशन, लेटरल टेरिगोइड टेम्पोरलिस, लेटरल टेरिगोइड टेम्पोरलिस मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी. पोस्टीरियर में क्या आएगा, पैरोटिड ग्लैंड सेपरेट करती है टीएमजे को फ्रॉम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस एंड पोस्टीरियर में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो टीएमजे को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस से, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल एंड पैरोटिड है तो वहाँ पर ऑरिगुलो टेम्पोरल नर्व भी ऑफकोर्स आपको आएगा. लेटरल में आपके पास आएंगे साइड में, आप देखोगे तो स्किन स्किन वगैरह है, स्किन हो गया, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, टेम्पोरल branches of the facial nerve are there. एंड देन देखो मीडियल रिलेशन, तो मीडियल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है टीएमजे को फ्रॉम इंटरनल एकॉस्टिक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से. उसके अलावा स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, इस याद रखिए स्पिनोमैंडिबुलर स्टाइलोमैंडिबुलर में कंफ्यूज नहीं होना. स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट का अपर एंड देखने को मिलता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कॉर्डर टिम्पैनिक जो नर्व जो हमारे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मिडल मेनिनजियल आर्टरी, मीडियल साइड मिडल मेनिनजियल आर्टरी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मीडियल साइड आपको मिडल मेनिनजियल आर्टरी इजीली याद रहेगा. सुपीरियर में हमारे मिडल क्रैनियल फोसा और मिडल मेनिनजियल वेसल. मिडल मेनिनजियल वेसल सुपर, देखो ऊपर की तरफ क्या आएगा आपका क्रेनियल फोसा है तो मिडल क्रेनियल फोसा है एंड मिडल मेनिनजियल वेसल से इन्फीरियर में मैक्सिलरी आर्टरी एंड वेन. इन्फीरियर रिलेशन मैक्सिलरी आर्टरी वेन बहुत सिंपल है. उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज आती है दैट इज द मूवमेंट रिलेटेड टू टीएमजे. उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी आएंगे पर उससे पहले हमको देखना मूवमेंट्स ऑफ द टीएमजे. तो टीएमजे में हम बताया टीएमजे में के अराउंड जो मसल्स होती है दैट इज मैसेटर टेम्पोरलिस लेटरल टेरिगोइड मीडियल टेरिगोइड, उन सब के आपस में मूवमेंट से हमारा मूवमेंट होता है टीएमजे का. तो सबसे पहले अगर हम देखें डिप्रेशन दैट इज माउथ को अगर आप क्लोज मतलब लोअर जो अपर जो आपका इमूवेबल होता है ये लोअर जो को अगर आप डाउन साइड करोगे तो डाउन साइड करने पर आपका अगर आप देखो तो आपको माउथ क्या होगा ओपन होगा उस केस में. तो माउथ ओपन होगा तो माउथ इस केस में डिप्रेशन या फिर आपसे बोल सकते डिप्रेशन मसल्स या फिर माउथ ओपनिंग टाइप के कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है तो डिप्रेशन के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे लेटरल टेरिगोइड डाइजेस्टिक जीनियोहाइड माइलोहाइड. कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है डिप्रेशन में, लेटरल टेरिगोइड डाइजेस्टिक जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड. उसके अलावा एलिवेशन, आप एलिवेट कर रहे हो दैट मीन्स माउथ जो है वो क्लोज होगा. एलिवेशन दैट इज क्लोजर ऑफ माउथ, इसमें कौन सी आएगी मैसेटर मीडियल टेरिगोइड. एलिवेशन में कौन सी आएगी एलिवेशन, जब आप माउथ को एलिवेट कर रहे हो तो माउथ जब आप एलिवेट करोगे लोअर जॉ को तो माउथ क्या होगा बेसिकली क्लोज होगा. और क्लोज में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है मीडियल टेरिगोइड मैसेटर मसल एंड द मीडियल टेरिगोइड मसल. टू मसल्स आर देयर मैसेटर मसल एंड द मीडियल टेरिगोइड, टू मसल्स आर इन्वॉल्व इन द एलिवेशन मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड. देन देर कम्स अ प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन जितनी माउथ को बाहर रहना प्रोट्रूजन हो गया एंड देन देर इज अ रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन हो गया रिट्रैक्शन हो गया एंड द लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट्स. सो दीज आर द मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस. आफ्टर दैट देर आर अनादर लाइक क्लिनिकल एनाटमी देखते हैं अगर हम क्लिनिकल एनाटमी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस देखने को मिलता है आपको, हाइपोप्लेशिया एप्लेशिया देखने को मिलता है, डिस्क डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, डिसलोकेशन और डेविएशन, एंकाइलोसिस एंकाइलोसिस डिस्क डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएमजे की डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट है, नियोप्लेशिया स्पास्म मायोफेशियल पेन लोअर रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन मतलब आपके एक जगह पेन है तो उसे वो दूसरी जगह भी कम्युनिकेट कर सकता है जिस रेफर्ड पेन. किसल ब्रेक स्पेसिस जो आपको नोज में पैरानेसल साइनसिस, आप नोज पढ़ेंगे तो आपको पता देखने को मिलेगा. Sphenoperitis is the common site for nose bleeding, epistaxis. So that is the clinical aspects. So after that, हमारे पास जो है वो next question है. Next question we have is that is the enumerate the ventricles of the brain and enumerate the ventricles of the brain. सो सेकेंड क्वेश्चन वी हैव दैट इज द इन्यूमरेट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स देखनी है आपको और फोर्थ वेंट्रिकल को करना है आपको एंड डिटेल में.
फोर्थ वेंट्रिकल को डिटेल में देखना है. सो सीइंग द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड ऑल्सो द फोर्थ वेंट्रिकल इन डिटेल. सो फोर्थ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द फोर्थ वेंट्रिकल. सो वेंट्रिकल्स हमारे पास अलग अलग टाइप की वेंट्रिकल्स होती है, लाइक थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लिटरल वेंट्रिकल. अब फोर्थ वेंट्रिकल देखें तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होती है हमारी? फोर्थ वेंट्रिकल्स हमारी बिलो द थर्ड वेंट्रिकल, वी फाउंड इट बिलो द थर्ड वेंट्रिकल. कहाँ सिचुएशन होते हैं? सिचुएशन बिलो द सेरेबेलम डॉर्सली और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वेंट्रली. देखें तो इसका सिचुएशन कहाँ होता है? बिटवीन सेरेबेलम, सेरेबेलम तो डॉर्सली, एंड पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वेंट्रली. कम्युनिकेशन फोर्थ वेंट्रिकल, आपको समझिएगा फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होती है? थर्ड वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होती है. सिचुएशन देखें तो इसका सेरेबेलम डॉर्सली एंड पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वेंट्रली. सीइंग द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अगर इसका कम्युनिकेशन लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल हमारे कहाँ से कम्युनिकेट करती है? सो एंड अबव, ऊपर से हमारे अबव ऊपर कम्युनिकेट करती है विद थर्ड वेंट्रिकल. हमने जैसे देखा था थर्ड वेंट्रिकल के नीचे होती है तो ऊपर इसके क्या है? थर्ड वेंट्रिकल. तो अबव कम्युनिकेट करती है विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट से, सेरिब्रल एक्विडक्ट से. और नीचे क्या होती है? नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है. फोर्थ वेंट्रिकल के भी नीचे क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंट्रल कैनाल. स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेट करती है सेंट्रल कैनाल के थ्रू. कंटेंट देखिए तो अब फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर क्या भरा होता है? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा होता है, CSF भरा होता है. बाउंड्रीज कौन बनाता है? इसकी छत, रूफ कौन बनाता है? इसकी रूफ डिवाइड होती है अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में. अपर पार्ट जो बनाता है कन्वर्जेंस ऑफ द टू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स ब्रिजेस बाय द न्यूरल टिश्यू. तो अपर पार्ट जो होता है जैसे फोर्थ वेंट्रिकल का, जैसे रूफ देखें, रूफ देखें तो रूफ दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर, बेसिकली अपर हाफ और लोअर हाफ. अपर हाफ जो है, अपर हाफ इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स ब्रिजेस बाय द न्यूरल टिश्यूज, एंड लोअर हाफ इज फॉर्म बाय द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स. लोअर हाफ कौन बनाता है? इज फॉर्म बाय द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स. इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. अपर हाफ देखिएगा तो अपर हाफ कौन बनाता है? इज फाउंड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स. दो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स जो हैं वो आपस में कन्वर्ज होती हैं, पेडंकल और ब्रिजेस बाय द न्यूरल टिश्यू, एंड लोअर हाफ इज फॉर्म्ड बाय द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स. आप थोड़ा इसको 3D में देख सकते हो, और साथ में आपको ये थ्योरी जो है दैट इज आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा. आपको लेकिन बोलते ना थोड़ा सा कंटेंट आपको रटना भी पड़ता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप एग्जैक्ट उसने आपको उस मोमेंट आपको याद नहीं रहा तो आपको थोड़ा बहुत द वे विच वे जिसमें मैंने लिखा हुआ है आप एक्जैक्टली लिखेंगे तो एग्जाम में आपको एक, मैंने एग्जाम पर्पज के लिए ही नोट्स बनाए पड़ते हैं, एग्जाम पर्पज ओनली. सो रूफ दो पार्ट में डिवाइड होती है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. अपर हाफ इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल ब्रिजेस बाय द न्यूरल टिश्यू, और लोअर हाफ इज फॉर्म बाय द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स. लेटरल वॉर्ड देखें तो सुपीरियर लेटरली जो है वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, इन्फीरियर लेटरली जो है वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल है. दो सेरेब्रल पेडंकल्स हैं तो लेटरल वॉल देखेंगे तो सुपीरियरली सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इन्फीरियरली इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल. फ्लोर, फ्लोर डायमंड शेप्ड होता है, रोम्बोड होता है. फ्लोर डायमंड या रोम्बोड शेप का होता है. फ्लोर कौन बनाता है? फ्लोर बनाता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पॉन्स इन द ओपन, इन द ओपन पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ मेड्यूला. फ्लोर कौन बनाता है? डायमंड शेप, रोम्बोइड शेप का होता है. और कौन बनाता है? सर्फेस ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द पॉन्स, पॉन्स का पोस्टीरियर सर्फेस बनाता है और ओपन पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द मेड्यूला. या इमेजिन कीजिएगा पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द पॉन्स एंड द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द मेड्यूला. उसके बाद इसके फीचर्स देख लेते हैं. फोर्थ वेंट्रिकल के फीचर क्या क्या, क्या क्या देखने को मिलता है फोर्थ वेंट्रिकल के फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स. तो मीडियल सल्कस होता है, मीडियल सल्कस डिवाइड करता है फ्लोर को दो पार्ट में. अगर आप इसका फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर वाला पार्ट देखोगे तो उसमें भी एक मीडियल सल्कस देखने को मिलेगा आपको. और जो मीडियल सल्कस प्रेजेंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है फ्लोर को. लाइक कोई चीज़ को बीच में से ना बीच में से काट के दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो फ्लोर को उस सल्कस ने दो पार्ट्स, फ्लोर सल्कस की वजह से फ्लोर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो रेसेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं? रेसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल 6 इन नंबर, 3 इन डॉर्सल वॉल और मीडियल एंड 2 लेटरल वॉल में. उसके अलावा उसके जो कुछ हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी हैव दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. क्या क्या क्लिनिकल फोर्थ वेंट्रिकल के रिलेटेड में क्या क्या आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे? सो क्लिनिकल एस्पेक्ट विच वी सीन फॉर द फोर्थ वेंट्रिकल दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का अगर आउटफ्लो होगा तो फोर्थ वेंट्रिकल आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय अ वैरायटी ऑफ कंडीशन. फोर्थ वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो हो रहा था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बाय अ वैरायटी ऑफ कंडीशन, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, कभी सिस्ट हो गए, माल फॉर्मेशंस हो गए. इसकी वजह से क्या होगा? CSF अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो मतलब CSF एक जगह इकट्ठा हो जाएगा विद इन द वेंट्रिकल सिस्टम, इसकी वजह से हम हाइड्रोसिफेलस बोलेंगे. तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लाइक नॉर्मली आपसे पूछ सकते हो व्हाट इज हाइड्रोसिफेलस,
सिफिलिस। तो हाइड्रोसिफिलिस नथिंग बेसिकली क्या होता है कि जो CSF है, CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे, और क्योंकि जो फोर्थ वेंट्रिकल का आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, एक बार आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया दैट मीन्स वहाँ पर CSF जो था वो इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह पर, तो एक ही जगह जो जिससे क्या हो सकता है ब्रेन ट्यूमर से स्मॉल फॉर्मेशन ये सब, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लू टू द हाइड्रोसिफिलिस। और इसी कुछ कंडीशन जैसे ब्रेन ट्यूमर सिस्ट वगैरह हो गया विच अल्टीमेटली लीड टू द हाइड्रोसिफिलिस। देन अदर क्लिनिकल एस्पेक्ट जो हम देख सकते हैं दैट इज ब्रेन स्टेम कंप्रेशन, ट्यूमर और सिस्ट लोकेटेड इन द फोर्थ वेंट्रिकल कैन कंप्रेस द ब्रेन, जो ब्रेन को कंप्रेस कर सकते हैं, ट्यूमर हो गए, सिस्ट हो गए लोकेटेड इन द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में जो ट्यूमर सिस्ट वगैरह हैं जो लोकेटेड होते हैं इन द फोर्थ वेंट्रिकल वो कंप्रेस कर सकते हैं ब्रेन स्टेम को, लीडिंग टू द वाइड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स, एटेक्सिया भी हो सकता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी, दिस ऑल आर द सिम्टम्स, एरेक्नॉइड सिस्ट हो सकते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं पूछता, आपको जनरली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल आउटफ्लो, फर्स्ट वाला जो है दैट इज वही इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोसिफिलिस गिवन है दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकुलर की जो कंडीशंस आती है वो डिपेंड करता है कि क्या उसका कॉज है एंड क्या उसमें इंक्लूड करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर ताकि वो हम ट्यूमर सिस्ट वगैरह जो है वो रिमूव कर सके उसको, और टू प्लेस द शंट टू ड्रेन द एक्सेस, एक शंट अलग पाथवे बना देते हैं जिससे वो जो एक्सेस फ्लूइड है अगर वहाँ से वो अगर सपोज एक पाथवे हमारा ब्लॉक हो गया है तो वहाँ से CSF तो जा नहीं पा रहा, तो हम दूसरा पाथवे, दूसरा एक शंट, एक दूसरा पाथवे क्रिएट कर देते हैं जिससे वो अल्टीमेटली जो हमारा CSF एक्यूमुलेट हुआ है वो ड्रेन हो सके। सो दैट इज वी आर सेइंग इन सम केसेस ट्रीटमेंट जो है वो नेसेसरी, जरूरी भी नहीं होता अगर कंडीशन जो है कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करे, मतलब कोई कंडीशन या कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करे तो जरूरी भी नहीं है कि आपको उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट। After that, this is we have done with that question. Enumerate ventricles, floor of fourth ventricle, applied anatomy, races and openings. तो आपको ये complete होकर हमने देखा था, एक बार वापस देख रहे थे, this is we have seen the races and the openings, floor देख लिया था, diamond shape, the posterior surface of bones, features देख लिया आपने, इसके दो part में medial sulcus होता है, races में हमने 6 देख लिए, 6 number, 3 in dorsal wall, medial and 2 lateral होते हैं। इसके अलावा हमने इसके रूफ देख ली, रूफ देख लिए, अबव कम्युनिकेशंस देख लिए, सो दिस इज वी हैव एंड आफ्टर दैट हमने देख ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज द डिस्क्राइब द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व को आपको बताना है अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, फेशियल नर्व को आपको ये जो क्वेश्चन पॉइंट दे रखे हैं इनके अंदर से बताना है। तो सबसे पहले फेशियल नर्व के न्यूक्लियाई बताने, फिर कोर्स एंड एनाटॉमी बतानी है, फिर फेशियल नर्व की ब्रांचेस बतानी है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर अप्लाइड एनाटॉमी बतानी है। सो लेट्स बिगिन दिस फेशियल नर्व क्वेश्चन। सो फेशियल नर्व के अगर आपको न्यूक्लियाई पूछा है तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियाई जो है द फाइबर्स आर कनेक्टेड 4 न्यूक्लियाई, फेशियल नर्व के कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस पूछे आपसे तो आपको 4 न्यूक्लियस याद रखने, मोटर न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, एलेक्राइमेटरी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रक्टर सोलेटेरियस। अब आप अलग अलग चीज़ों में नर्व न्यूक्लियस वगैरह याद करेंगे तो अगर आप अभी पढ़ रहे ठीक है, बट एट द वो काफ़ी टाइम बाद ऐसा होता है लाइक आप भूल जाते हैं, तो उसको तो मेरे पास एक निमोनिक भी है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं फेशियल नर्व के न्यूक्लियस कैसे याद करना है। तो फेशियल नर्व के न्यूक्लिया आप इस तरह से निमोनिक बना सकते हैं कि फेशियल नर्व के न्यूक्लिया जो है वो सलाद और लेमन को टेस्टी बनाता है। फेशियल नर्व न्यूक्लिया के क्या करते हैं, न्यूक्लिया बेसिकली मेक्स सैलेड एंड लेमन टेस्टी, तो मेक्स फॉर मोटर न्यूरॉन सैलेड, सैलेड फॉर हमारा सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सैलेड एंड लेमन, लेमन एल्फ लेमन फॉर लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, सैलेड एंड लेमन tasty for nucleus of tractus solitarius, so these are the nucleus, facial nerve ke nuclei making salad and lemon tasty, after nuclei hum dekhenge facial nerve, फेशियल नर्व का कोर्स क्या है, कैसे चल कैसे जाती है, तो फ्रॉम लेटरल सरफेस ऑफ बोन से फेशियल नर्व अराइजेज होती है जो इंटरनल जेन्यू बनाती है अराउंड द 8th नर्व दैट इज द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व एंड देन इट गोज टू इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स में जाती है जहाँ पे वो इंटरनल जेन्यू एक्सटर्नल जेन्यू बनाती है एंड देन इट गोज टू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से पास होती है बाय अ मेस्टोइड एंट्रम, फिर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक वो पहुंची, उसके बाद वो अलग अलग ब्रांचेस दे देती है, कौन कौन सी ब्रांचेस है आप इसको जब सेपरेटली ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट है तो आपको फिर सेपरेटली आप ब्रांचेस करके भी हेडिंग करके डाल सकते हैं, देन ब्रांचेस में आप लिख सकते हैं उसके ब्रांचेस से ग्रेटर पेट्रोजल है, कॉर्डा टिम्पेनाई है, नर्व टू स्टेपिडियस, ग्रेटर पेट्रोजल, कॉर्डा टिम्पेनाई, ग्रेटर पेट्रोजल, कॉर्डा टिम्पेनाई, नर्व टू स्टेपिडियस, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक एंड नर्व टू स्टाइलोहाइट, सो दीज आर द स्टेपिडियस भी है स्टाइलोहाइट भी, दो ऐसे हैं कन्फ्यूज नहीं होगा दोनों ही इन्वॉल्व है इसमें, देन इट गोज टू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन,
ग्रेटर पेट्रोजल नर्व दी कॉडा टिम्पेना नर्व नर्व टू स्टेपिडियस पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टर एंड नर्व टू स्टाइलोहाइड, ये सब है। उसके अलावा एक टर्मिनल ब्रांचेस देती है और फिर उसके बाद ये सब तो अलग जाती हैं। उसके अलावा ये पैरोडेड के सुपरफिशियल सर्फेस पर जाती है, पैरोडेड पर आई पैरोडेड के सुपीरियर सुपरफिशियल सर्फेस पर आएगी, वहाँ पर ये ब्रांचेस देती है टर्मिनल ब्रांचेस, वहाँ पर ये पाँच टर्मिनल ब्रांचेस देती है, दैट इज टेम्पोरल जाइगोमेटिक बकल मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। तो ये टर्मिनल ब्रांचेस भी याद करने की ट्रिक होती है। तो टर्मिनल ब्रांचेस आप कैसे याद करेंगे, तो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व अगर आपसे सेपरेटली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपसे रैंडमली भी पूछ सकते हैं कि टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, तो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व जो पैरोटिड के सुपरफिशियल सर्फेस पे आती है, तो दैट इज द टेन ज़ेब्रा बाइट माई कैट, टेन ज़ेब्रा बाइट माई कैट, टेन बोले तो टेम्पोरल, ज़ेब्रा ज़ाइगोमैटिक, बाइट बक्कल, माई से मार्जिनल मैंडिबुलर एंड कैट से सर्वाइकल, तो टेन ज़ेब्रा बाइट माई कैट। एंड उसके अलावा देयर कम्स द अनादर, दैट इज़ हमको फेशियल के क्लिनिकल एस्पेक्ट देखने, तो लीजन्स और क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो लीजन्स कौन कौन से हैं, इज स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन पे अगर लीजन हो गया तो हमारे फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है, कॉटा टिम्पेना के ऊपर लीजन हुआ तो सलाइवेशन चला जाएगा, टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा, प्लस फेशियल पाल्सी देखने को मिलेगी, टेस्ट चला जाएगा, डिक्रीज सलाइवेशन, अगर स्टेपिडियस के उधर हुआ तो डिक्रीज सलाइवेशन होगा, टेस्ट चला जाएगा, ऑल्सो फेशियल पाल्सी होगी, प्लस हाइपर एक्यूसिस भी देखने को मिलेगा नर्व टू स्टेपिडियस के उधर। एक्सटर्नल जेन्यू के अराउंड अगर हमें एक्सटर्नल जेन्यू पर लीजन होगा, एक्सटर्नल जेन्यू पर अगर हमें लीजन होगा तो फिर लेक्राइमेशन, ये सब फीचर देखने को मिलेंगे, साथ ही हमको लेक्राइमेशन भी देखने को मिलेगा, आंसू वाली चीज़, तो बैल्स पालसी, क्रोकोडल टीयर सिंड्रोम, रैमजे हंट सिंड्रोम, आपके बस नेम नेम इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हमारा ये क्वेश्चन, दिस फेशियल नर्व, फेशियल नर्व का हमारा क्वेश्चन होता है, तो ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द फेशियल नर्व, देन देयर कम्स अनदर क्वेश्चन, तो अनदर क्वेश्चन वी हैव दैट इज द शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट कौन से, हमको इन सब पे हमको तीन क्वेश्चन अटेंड करना है, बट वी आर डिस्कसिंग एवरी, तो हम तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, कोई भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिलरी साइनस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फेस, तो पहले लेते हैं मैक्सिलरी साइनस, सेम द क्वेश्चन मैक्सिलरी साइनस, हियर वी हैव मैक्सिलरी साइनस, तो मैक्सिलरी साइनस मैंने आपको कहा था जितने भी साइनस है उसमें सबसे बड़ा मैक्सिलरी साइनस और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिलरी साइनस जो है इट इज़ लार्जेस्ट ऑल द पैरानेसल साइनस, जितने भी पैरानेसल साइनस है जैसे आपके इथमॉडल है, स्फेनॉइड है, मैक्सिलरी स्फेनॉइडल, जितने भी आपके पैराफ्रंटल एयर नेसल साइनस, तो जितने भी आपके एयर साइनसेस है पैरानेसल, तो उसमें से मैक्सिलरी वाला जो सबसे बड़ा होता है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पैरानेसल साइनसेस, ये कहाँ पर होता है, ओपन से मिडल मीटर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ हाइटस सेमिलोरिटिस, कहाँ पे ओपन होता है, ओपन इनटू मिडल मीटर्स, ओपन इनटू मिडल मीटर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ हाइटस सेमिलोरिस, आइसोलेट, अगर आप एक आइसोलेट मैक्सिला को आप आइसोलेट करके देखोगे ना, मतलब एक मैक्सिला को बाहर निकालोगे तो इन एन आइसोलेटेड मैक्सिला, तो हाइटस की ओपनिंग जो है मैक्सिलरी साइनस की वो कंपेरेटिवली लार्ज होगी, लेकिन अगर आप वही स्कल में देखोगे कि इंटैक्ट स्कल जो स्कल के अंदर है तो तब आपको ये थोड़ी सी रिड्यूस देखने को मिलेगी, लेकिन आप जब मैक्सिला को बाहर निकालोगे तब आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, तो मैक्सिलरी साइनस आपने देख लिया कहाँ ओपन होते हैं, इनटू मिडल मीटर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ हाइटस सेमिलोरिस, इंटैक्ट मैक्सिला में जो है इंटैक्ट अगर या स्कल में तो आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन हम आइसोलेट करेंगे मैक्सिला को तो हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। इसके हमको पढ़ने आर्टरीज, वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स, तो मैंने इसको शॉर्ट में अवलेंस करके लिख दिया, तो हम इसके देखते हैं आर्टरीज, वेसल्स, नर्व्स और ये सब, तो आर्टरीज कौन कौन सी है, फेशियल मैक्सिलरी साइनस में कौन कौन सी आर्टरीज आती है, मैक्सिलरी साइनस में आर्टरीज आती है फेशियल, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड ग्रेटर पैलेटाइन, फेशियल, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड ग्रेटर पैलेटाइन, कौन कौन सी आर्टरीज आती है मैक्सिलरी साइनस में, मैक्सिलरी साइनस से इन्वॉल्व आर्टरीज आर फेशियल, इंफ्रा ऑर्बिटल और ग्रेटर पैलेटाइन, सो आर्टरीज इन्वॉल्व इन फेशियल जो है वो कौन कौन सी है मैक्सिलरी साइनस में, इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल जो है आप इजीली आंसर कर सकते, सपोज आप एग्जाम में है यू आर टोटली ब्लैंक, एंड तो देखिएगा मैक्सिलरी साइनस हमारा कहाँ है, मैक्सिला के ऊपर, तो वहाँ आपको ऑर्बिट के नीचे वाली चीज आ सकती है, इंफ्रा ऑर्बिटल आ जाएगा, फेशियल है, फेस पे है तो फेशियल आ जाएगा आर्टरी, और कौन सी है ग्रेटर पैलेटाइन, पैलेट के उधर है तो ग्रेटर पैलेटाइन, सिंपल एज इट इज, तो कोई इसमें बिग डील नहीं है, मैक्सिलरी साइनस आपको याद करने में। फिर आएगी वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज भी कौन सा, फेशियल आर्टरी है तो फेशियल वेन है, और कौन सा है फेशियल वेन और टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन, ये इंपॉर्टेंट है, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स एंड ऑल्सो द फेशियल वेन, सो ये वेन हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिम्फेटिक, लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा होता है, तो कौन से लिम्फ नोड है, सब मैंडिबुलर, मैक्सिलरी साइनस का ड्रेनेज कहाँ होता है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। और अब देखते हैं अवलंस, तो अवलन, तो अब न
हमारा एंड क्या है बेसिकली, सो एंड वी हैव दैट इज नर्व सप्लाई. तो नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर होती है, एंटीरियर एंड मीडियर मिडल सुपीरियर एल्वियोलर. तो हमें ये सब देखने को मिलती है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर देखने को मिलती है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर देखने को मिलती है, मिडल सुपीरियर, तीन जो है नर्व सप्लाई देखने को मिलती है. सो दिस इज जो क्वेश्चन जो हमारा हो गया मैक्सिलरी साइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ फेस. सीइंग द क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ फेस, सो डेवलपमेंट ऑफ फेस आपको डायग्राम बनाना है. और ये थोड़ा लाइक आप अगर अभी फिर टाइम तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. अगर ये स्पेशली ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट की नहीं, ये स्पेशली टेन फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फेस, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है. बट इफ द क्वेश्चन इज शॉर्ट तो आप इसको चाहें तो आप पॉइंट्स में मतलब ऐसे फ्लो चार्ट बना के सकते हैं, आप डायग्राम इन्वॉल्व ना करें. या फिर अगर आप इफ़ यू हैव टाइम तो आप शॉर्ट में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डायग्राम और लॉन्ग में भी. डायग्राम तो रियली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डायग्राम्स आपके एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते. सो दैट सो सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ फेस, सो ड्यूरिंग द फोर्थ वीक हेड फोल्ड ऑफ एम्ब्रायो दो फोल्डिंग बनाता है. इट इज हेड फोल्डिंग, एक एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो का जो हेड फोल्डिंग है उसमें हमको दो फोल्डिंग देखने को मिलती है. तो एम्ब्रायो का जो हेड वाला पार्ट है उसमें हमको दो फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, हेड फोल्डिंग में दो बल्जिंग्स देखने को मिलती है. किस वजह से, एक बल्जिंग जो है वो डेवलपिंग ब्रेन की होती है और दूसरी वाली जो होती है वो डेवलपिंग पेरिकार्डियम. वन इज टू डेवलपिंग ब्रेन एंड अनदर इज टू डेवलपमेंट ऑफ पेरिकार्डियम. सो उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पेरिकार्डियम. देन क्योंकि हम देखते हैं डेवलपिंग जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उससे मेसेनकाइम, देखिए अभी मेसेनकाइम ऑरेंज डॉट्स विच हैव ड्रॉन, तो मेसेनकाइम है, मेसेनकाइम होता है. तो मेसेनकाइम क्या करता है, प्रोलीफरेट करेगा और डाउनवर्ड एक्शन है. देखो मेसेनकाइम ग्रोथ कर रहा है और प्रोलीफरेट करेगा, डाउनवर्ड की तरफ आ गया. देखिए ऊपर वाले में मैंने क्या एक सिंपल सा राउंडेड है, अब मेसेनकाइम प्रोलीफरेट करके से नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है. तो मेसेनकाइम प्रोलीफरेट करता है और एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन बना रहता है. उसी डाउनवर्ड प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रंटोनेजल प्रोसेस. फ्रंटोनेजल प्रोसेस से आगे जाके क्या बनता है, फोरहेड बनता है, हमारे एक्सटर्नल नोज बनती है, नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम, रॉस फिल्ट्रम, ये सब चीज़ें बनती है. और ये सब सप्लाई कहाँ से होती है, इन सब चीज़ें बनी फोरहेड, एक्सटर्नल नोज, ये सब, तो इन सबको सप्लाई कौन करता है, ऑप्थेल्मिक नर्व करती है. सो इसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम ये आता है. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप स्टेप का डायग्राम ये ड्रॉ होगा, लाइक आपके ऊपर पेरिकार्डियम, उसके बाद उसके बाद होता क्या है कि अब मैंडिबुलर आर्च होती है हमारी. फ्रॉम मैंडिबुलर आर्च दो प्रोसेस बनते हैं, मैक्सिलरी प्रोसेस डॉर्सल साइड और दूसरा मैक्सिलरी प्रोसेस डॉर्सल साइड. और मैंडिबुलर प्रोसेस जो है वो हमारा वेंट्रल साइड बनता है, वो अराइज होता है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. देखिए इधर नीचे जो मैंने स्काई ब्लू कलर में ड्रॉ किया, जो स्काई ब्लू कलर, ये दोनों मैंडिबुलर प्रोसेस दोनों इस साइड का और इस साइड का, और ये ऊपर जो है ये मैक्सिलरी प्रोसेस. और ये पूरी जो आर्च है ना पिंक और ब्लू, ये पूरी जो है वो मैंडिबुलर आर्च है. मैंडिबुलर आर्च के दो प्रोसेस हैं, एक पिंक वाला मैक्सिलरी प्रोसेस और ब्लू वाला है मैंडिबुलर प्रोसेस. तो ये दोनों प्रोसेस जो है ब्लू ब्लू आपस में फ्यूज हो रहे हैं दोनों साइड्स के, और पिंक पिंक वाले आपस में फ्यूज होंगे और एक दूसरे की तरफ कम्युनिकेट करते हैं दोनों साइड. तो क्या क्या बनाते हैं, लेटरल पार्ट ऑफ अपर लिप बनाएंगे, अपर पार्ट ऑफ चीक, ये सब मैक्सिलरी प्रोसेस बनाएगा, और मैंडिबुलर प्रोसेस नीचे वाली चीज़ें बनाएंगे, जैसे चिन हो गई आपका, लोअर पार्ट ऑफ चीक हो गया, और ये सब. तो ये मैंडिबुलर नर्व बनाएंगे. उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम ये ड्रॉ होता है. इसमें क्या होता है, लाइक आपका मैंडिबुलर प्रोसेस, अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर में कि आपके मैंडिबुलर प्रोसेस दोनों साइड के फ्यूज हो जाएंगे, मैंडिबुलर प्रोसेस अपोजिट साइड के फ्यूज हो जाएंगे, और एक ऑल्सो फ्रंटोनेजल प्रोसेस, जो हमने फ्रंटोनेजल प्रोसेस था हमारा ऊपर, तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस आपके दिखेगी येलो वाली और ये पर्पल वाली, येलो वाली और पर्पल वाली फ्यू थिकनिंग्स देखने को मिलती है आपको. ऑल्सो ऑन फ्रंटोनेजल प्रोसेस फ्यू थिकनिंग्स देखने को मिलेगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेजल प्लेकोर्स एंड लाइंस प्लेकोर. ऊपर वाले ये ब्लू वाले जो हमारे हैं ये तो नेजल ब्लैकआउट, और वो येलो वाले जो हैं वो लेंस, जो हमारी आईज का आईज बनाएंगे आगे जाके, तो वो लेंस ब्लैकआउट होते हैं वो. सो दिस आर द लेंसर ब्लैकआउट एंड लेंस ब्लैकआउट. ब्लैकआउट जो है वो सून श्रिंक हो जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर में श्रिंक हो जाएंगे और सरफेस के साथ, और क्या बना लेंगे, नेजल पिट्स बना लेंगे. नेजल ब्लैकआउट थे और नेजल ब्लैकआउट से देखिए अभी इसे ब्लैकआउट से अभी ऐसे गोल से बना कैविटी टाइप बना लिया, तो उसको नेजल पिट्स बोलते हैं. और नेजल पिट्स में आप देखिए ये वाली जो साइड है, दिस साइड, ये वाली जो है दोनों तरफ मीडियल साइड, तो ये मीडियल नेजल प्रोसेस है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों जो साइड है दैट इज द लेटरल नेजल प्रोसेस, मीडियल नेजल प्रोसेसेस एंड लेटरल नेजल प्रोसेसेस. सो ये हमें देखने को मिलता है कि अब ये बन गए. देन व्हाट हैपेंस कि फ्रंटोनेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस जो है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की, देखिए फिर ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है पूरा, फिर इसमें मीडियल और नेजल प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो पूरा फ्रंटोनेजल प्रोसेस और ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस आपस में देखिए ये फ्यूज कर रहे हैं. तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पिंक मैंने आपको अभी मैंने यहाँ पे टैप किया हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इसी को हम क्या बोलते हैं, एक डिप्रेशन टाइप बन गया है, इसको हम बोलते हैं नेजो ऑप्टिक फरो. सो दे आर बाय लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेजो ऑप्टिक फरो. जो नेजो ऑप्टिक फरो आगे जाकर क्या बनाती है, हमारी
नेसोलैक्राइमल डक्ट बनाती है। सो इसके बाद क्या होता है, नेसोऑप्टिक फरो डिसअपीयर हो जाएगा और लेटरल नेजल प्रोसेस जो है वो फ्यूज हो जाएंगे मैक्सिलरी प्रोसेस से। देखिए आपने मैंडिबुलर प्रोसेस तो आपस में फ्यूज हो ही चुके हैं, तो लेटरल नेजल प्रोसेस जो है मैक्सिलरी प्रोसेस का, ये भी देखिए मैक्सिलरी प्रोसेस जो पिंक वाला है हमारा, ये मीडियल साइड से फ्यूज नहीं हुआ लेकिन लेटरल साइड से फ्रंटल नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज हो चुका है। तो लेटरल नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज हो चुका है बोथ साइड से, इधर भी फ्यूज लेटरल साइड से फ्यूज होगा, इधर भी लेटरल साइड से फ्यूज हो चुका है। फिर क्या होता है, मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज करेगा मीडियल साइड से, मीडियल मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज करेगा मीडियल नेजल प्रोसेस से भी बोथ साइड्स पे, इसीलिए क्या हो जाएगा नेजल पिट सेपरेट हो गई। आपने देखा ना, आप ये जैसे देखो दो में आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये नोज नेजल पिट से जो हमारी नोज बनती है, नेजल पिट है नोज की कैविटी, तो सेपरेट हो गई। तो ये कंटिन्यू करेंगे, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे अप्रोच टू ईच अदर। अब क्या होगा नेक्स्ट में कि मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस, देखिए अभी आपका देखिए यहाँ पास में बीच में मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, तो अभी ये मतलब मैक्सिलरी जॉइंट से जॉइंट है पर प्रॉपरली जॉइंट नहीं है। लास्ट में क्या होगा, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस जो है वो एक साथ वापस फॉर्म कर, वो फ्यूज कर जाएंगे टू फॉर्म द चीक। सो दैट इज द विद रेस्पेक्ट टू द फेशियल डेवलपमेंट। आफ्टर फेशियल डेवलपमेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन। फेशियल डेवलपमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मीडियास्टाइनल सर्फेसेज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, मीडियास्टाइनल सर्फेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन, सो हियर वी हैव द मीडियास्टाइनल सर्फेस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। सो हियर वी हैव, सो आपको डायग्राम बनानी मीडियास्टाइनल और सर्फेस ऑफ राइट और लेफ्ट लंग। तो आपको दो लंग्स की देखिए, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग आपको पता है, आपको लेफ्ट वाला जो है बॉडी के हिसाब से बना, तो बॉडी में आप लेफ्ट वाली साइड है तो किस तरह से बनाएंगे, इसी तरफ झुका होगा ना ये सर्कुलर ऐसे पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। पहले आपको आउटलाइन बनानी, उसके बाद देन इसके कंटेंट्स देख लेते, कंटेंट्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए सबसे पहले तो आपको ये दोनों में आपको एक पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्स देखने को मिलता है जो येलो वाली है, ये क्या है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, जो आपको राइट लेफ्ट दोनों लंग्स में एक एक देखने को मिला, एक एक है दोनों में। उसके अलावा वी हैव अनदर, ये ब्रोंकियल वेसल्स है जो रेड वाली ग्रीन वाली दोनों में है ब्रोंकियल वेसल्स। ब्रोंकियल वेसल्स आपको एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो ब्रोंकियल वेसल्स है वो लेफ्ट लंग में दो है, देखिए ये रेड रेड वाली जो है ना ब्रोंकियल वेसल्स, तो ब्रोंकियल वेसल्स जो है कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा है और इसमें ब्रोंकियल वेसल कम है राइट लंग में। ऑल्सो ब्रोंकियल वेसल के अलावा हम देखें तो लिम्फ वेसल्स दोनों में ही होंगे, लिम्फ वेसल चाहे इसमें ब्रोंकियो पल्मरी लिम्फ नोड्स राइट लंग लेफ्ट लंग दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वी हैव अनदर थिंग दैट इज द पार्शियल ब्रोंकियस, ई पार्टियल ब्रोंकियस, तो ई पार्टियल ब्रोंकियस हमारा देखने को मिलता है इसमें। सो देखिए तो राइट लंग जो है, राइट लंग में दो टाइप के ब्रोंकस देखने को मिलते हैं। आप देखिए ये ऊपर वाला जो सर्कल है ना, ये पोलो जैसा सर्कल, तो ऊपर ये सर्कल और ये सर्कल, तो हमें दो राइट लंग में हमारे पास दो ब्रोंकस देखने को मिलते हैं, जबकि लेफ्ट लंग को आप देखोगे तो लेफ्ट लंग में केवल एक ही है, तो हमने इसको क्या लेबल कर रखा है, लेफ्ट लंग में एक ही है तो ब्रोंकस लेबल कर रखा है, और राइट लंग में हमारे पास दो ब्रोंकस है तो दो ब्रोंकस है, तो हमने ऐसे लेबल कर रखा है अपर ये वाला और ये वाला, तो वन इज ऊपर जो है वो ई पार्टिकल है और नीचे वाला हाई पार्टिकल है। कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, उल्टा इसमें उल्टा है, जैसे मतलब हाई के हिसाब से तो हाई पार्टिकल साउंड करते ऊपर आना चाहिए ना, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ई पार्टिकल जो है वो हमारा ऊपर है और हाई पार्टिकल जो है वो हमारा नीचे की तरफ है, तो राइट में दो ब्रोंकस होते हैं और लेफ्ट में हमारा एक ब्रोंकस होता है। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी दोनों में एक एक कॉमन होती है, देखिए ये पर्पल से कर रखी है पल्मोनरी आर्टरी, दोनों में एक एक पल्मोनरी आर्टरी। उसके अलावा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस जो आपको इसमें भी देखने को मिलता है और इसमें भी पल्मोनरी प्लेक्सस देखने को मिलता है, देखिए ये जो लेबलिंग है एंटीरियर, देखो दोनों साइड इस तरफ पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और इधर क्या है हमारे एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके अलावा हमारे वेंस देखने को मिलती हैं, तो वेंस देखिए इसमें दो वेंस और इसमें भी हमको दो वेंस देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, सो हियर वी हैव दैट इज सुपीरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, देखिए रेड और रेड सुपीरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। आप एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, तो आपने ये देखा होगा कि आर्टरी का कलर इन्होंने पर्पल बनाया है, लेकिन आपको इस मोमेंट लगा होगा यार आर्टरी है तो हमारा कलर रेड होना चाहिए, और ये इन्होंने वेन्स का कलर रेड बना दिया है, वेन्स का पर्पल बनाना चाहिए, तो नॉट लाइक दैट, क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम पल्मोनरी देख ले, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इफ यू डोंट नो तो आपको पता होगा कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके जाती है, दैट्स व्हाई। तो पल्मोनरी वेन को प्योर ब्लड इसलिए हमने इसको रेड कलर में किया है और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है तो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्शन वाली चीज होती है ये, तो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, दैट्स व्हाई हमने इसको पर्पल कलर किया है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा फॉर एग्जाम में हम अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो अब ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा एंड
क्योंकि कलर लेबलिंग, कलर लेबलिंग वगैरह ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनाटॉमी के. जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो सुपीरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन देखने, सुपीरियर इन्फीरियर, और राइट हैंड पे आपको दो वेन देखने, सुपीरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन. उसके अलावा हमारे पास एरियोलर टिश्यू है जो दोनों में है, राइट में भी है और ये लेफ्ट में भी है एरियोलर टिश्यू. सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड. इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बस मेन डिफरेंस आपका किस में आता है, मेन डिफरेंस आपका जो ऑल ओवर डिफरेंस आता है ना, राइट में आपके दो पार्ट, दो ब्रोंकस देखने को मिलता है, हाई पार्टेरियल और ई पार्टेरियल, जबकि लेफ्ट में आपको कौन से देखने को मिलता है, लेफ्ट में आपको एक ही ब्रोंकस देखने को मिलता है. ये आपका मेन डिफरेंस है, बाकी ऑल ओवर सेम डायग्राम बनेगा. उसके अलावा ये हमारा हो गया. फिर उसके बाद वी हैव अनदर क्वेश्चन. सो अनदर क्वेश्चन वी हैव दैट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन. सो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सीइंग द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड इस पर सबसे पहले ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का थ्योरी देखते हैं. हम थ्योरी लिखेंगे. तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एसेंशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग. ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एक तरह से पूरे वेसल्स वगैरह जो हमें समझाते हैं, एक सर्कल बनता है, ये समझाता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, थ्रू सर्कल ऑफ विलिस के थ्रू होती है. तो ब्रेन रिसीव करता है ब्लड सप्लाई, उसकी दो मेन वेसल्स है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. जब आप ब्रेन, आप एनाटॉमी की बुक BDC को देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है. तो ये आपको जब ब्रेन जो है उसमें आपको दो टाइप की, आपको दो आर्टरीज मिलनी, उसमें देखने को मिलेगी, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी और दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी. दो आर्टरीज मिलनी आपको देखने को मिलेगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी. डायग्राम देखिए, इधर हमको फिर डायग्राम देखना है. दिस इज द डायग्राम. एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, सो डिटेल में देखते हैं. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी सप्लाई करती है ब्लड को फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है वहाँ से ब्लड को लाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. जैसे सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो गया, ऑल्फैक्टरी बल्ब हो गया, ऑप्टिक नर्व्स, तो यहाँ सब एरियाज है वो ब्लड को लाती है. ब्लड ले आई, फिर क्या करती है वर्टिब्रल आर्टरी दूसरी तरफ वर्टिब्रल आर्टरी का क्या काम करता है, वो ब्लड को सप्लाई करती है टू द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती है सेरेब्रम को एंड ऑल द बैक पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर. दोनों वेसल्स जो है वो एक साथ आती है एट द बेस ऑफ द ब्रेन टू फॉर्म द सर्कल ऑफ विलिस. अब क्या होगा, सर्कल दोनों जो ब्रेन है ना, अगर आप इमेजिन करें ब्रेन, ब्रेन का जो बेस वाला बेस पोर्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आर्टरीज जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी आपस में एक साथ आएंगी और एक सर्कल बना लेंगी. तो वो सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ विलिस, जो एक तरह से बैकअप की तरह काम करता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन. लाइक आपके पास अब किडनी ब्लड सप्लाई हो रही है, वो तो हो रही है, लाइक कभी एक इसी इमरजेंसी में ये बैकअप का भी काम करता है. तो रिंग शेप एनास्टोमोसिस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी एंश्योर करता है. अब यार हमने देखा यार सर्कल जैसा है, पर इस सर्कल का भी सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं है कि यूं ही सर्कल है, तो इस सर्कल का भी सिग्निफिकेंस है. सर्कल ऑफ विलिस जो बनता है, तो इसका जो हम बोलते हैं ना रिंग शेप एनास्टोमोसिस होता है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का और वर्टिब्रल आर्टरीज का, ये बात ये एंश्योर करके रखता है कि ब्लड जो है वो ब्रेन स्टेम तक पहुंचे, सेरेब्रम तक पहुंचे, सेरेब्रम पहुंचे, इवन इफ द वन ऑफ द मेन वेसल इज ब्लॉक्ड. इससे क्या फायदा होगा, लाइक सपोज मैं डायग्राम में आपको लगे इधर वाली, सपोज एक ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई, तो भी आपके लाइक इधर से अलग अलग जगह से तो ब्लड पहुंचता रहे. अगर आपकी एक ब्लड वेसल ब्लॉक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लड पूरे बंदी हो जाएगा, तो आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं इससे, इसलिए दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू जा सकता है वो. दैट्स वाई सर्कल ऑफ सर्कल इसका सर्कल शेप में काफी इंपॉर्टेंस है, सर्कल ऑफ विलिस का. एंड इन एडिशन टू मेन वेसल्स, ब्रेन जो है वो ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम स्मॉल वेसल, जिनको हम पेनिट्रेटिंग वेसल्स भी बोलते हैं, जैसे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई, वो जो कनेक्ट करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से. एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो कनेक्ट करती है दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को. तो ब्रेन सर्कल ऑफ विलिस का डायग्राम बनाना, जिससे सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस में सबसे पहले हमारे पास आएगी, देखिए हियर वी हैव द इंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रलर आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रलर आर्टरी, फिर एंटीरियर इंटर इंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रलर आर्टरी आई, वो आगे आगे चलती है, देन यहाँ से उसकी ब्रांच निकलती है ऐसी, दैट इज लेब्रेंथाइन आर्टरी. उसके अलावा कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, उसको पोंटाइन ब्रांचेस बोलते हैं, लेब्रेंथाइन आर्टरी, फिर आएगी पोंटाइन ब्रांचेस, फिर उसके अलावा बेसिलर भी इधर ये बीच में जो आगे कंटिन्यू कंट हो रही है एज अ बेसिलर ब्रांच. तो उसके अलावा सुपीरियर सेरेब्रलर फिर आगे इधर पोस्टीरियर सेरेब्रलर एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल, दोनों तरफ आपको देख सकते हैं ना ये वाली और ये वाली. सो ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रलर है, पोस्टीरियर सेरेब्रल एंड विच और इधर आगे चलते हैं तो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आती है, तो किसके बीच में, मिडल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में. ये दोनों को आपस में कौन कम्युनिकेट करा रही है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपस में कम्युनिकेट करा रही है, और मिडल सेरेब्रल, और जो मिडल सेरेब्रल है वो कहाँ होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, एक एनास्टोमेसिस पॉइंट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से मिडल सेरेब्रल निकलती है। ऑल्सो एंटीरियर कम्युनिटी, जिसे हमने पोस्टीरियर कम्युनिटिंग आर्टरी देखी किसके बीच में थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में और पोस्टीरियर सेरेब्रल के बीच में, वैसे एंटीरियर कम्युनिटिंग आर्टरी भी देखने को मिलती है, वो कहाँ है, दोनों इंटर दोनों दोनों आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में दिखेगी। ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आई ना, तो एंटीरियर दो इस साइड की, इस साइड की, दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में हमारे पास कौन सी आएगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। सो देखिए, दिस इज वी हैव डन विद द क्वेश्चंस, ये हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, एनाटॉमी का सेकेंड स्टैंडर्ड का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी, तो इसके हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पार्ट वन पार्ट टू, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी कवर किया था, पार्ट ये वाला पार्ट इसके वाला सेक्शन सेकेंड स्टैंडर्ड का डिस्कशन था, जिसमें हमने पार्ट वन देख लिया आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज या कुछ भी है तो आप मेरे को डीएम, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते नीचे, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज एंड डाउट्स। ऑल्सो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे से कोई डाउट पूछ सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऑल्सो द अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में भी आपको मेरा मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को। सो आई होप यू गॉट इट। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।